लालू कहते हैं कि मैं पंचायत से लेकर राष्ट्रपति पद तक के लिए अपनी किस्मत आजमाता रहता हूं। अगर और कुछ नहीं तो मैं सबसे ज्यादा चुनाव लड़ने का रिकॉर्ड बना सकता हूं। देश के अगले राष्ट्रपति के चुनाव के लिए हलचल शुरू हो गई है। चुनाव आयोग की ओर से अधिसूचना जारी होने के साथ ही बुधवार से नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत हो गई। पहले दिन 11 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया, जिसमें से एक उम्मीदवार का नामांकन रद्द हो गया। नामांकन दाखिल करने वाले पहले व्यक्ति तमिलनाडु के सलेम जिले के मिठूगुड़ा से डॉक्टर के पद्मराजन हैं। नामांकन दाखिल करने वालों में बिहार के लालू प्रसाद यादव भी हैं। नहीं, ये वो लालू प्रसाद यादव नहीं है जो आप समझ रहे हैं। ये RJD के अध्यक्ष नहीं है। अगर ये नेता राष्ट्रपति बना तो देश में बढ़ेगा आतंकवाद, बोले BJP में MP दिलीप घोष। जी हाँ, आपको बता दें, ये शरण के मढ़ौरा के रहने वाले हैं, जो एक समय मॉडर्न टॉफी फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध थी। यह पहली बार नहीं है जब लालू प्रसाद यादव राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। उन्होंने 2017 में मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुकाबला किया था। लालू प्रसाद यादव बामुश्किल 42 साल के हैं। RJD अध्यक्ष की तरह एक बड़े परिवार की देखभाल करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं जीविका के लिए कृषि करता हूं और सामाजिक कार्य भी करता रहता हूं। मेरे 7 बच्चे हैं, मेरी बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है। लालू आगे कहते हैं कि मैं पंचायत से लेकर राष्ट्रपति पद तक के लिए अपनी किस्मत आजमाता रहता हूं। अगर और कुछ नहीं है तो मैं सबसे ज्यादा चुनाव लड़ने का रिकॉर्ड बना चुका हूं। इन 11 उम्मीदवारों ने दाखिल किया है नामांकन। आपको बता दें कि पद्मराजन तमिलनाडु से हैं और जीवन कुमार दिल्ली से, जिसमें मोहम्मद हामिद पटेल महाराष्ट्र से हैं। शायरा बानो मोहम्मद पटेल भी महाराष्ट्र से हैं। श्याम नंदन प्रसाद बिहार से और दया शंकर अग्रवाल दिल्ली से। ओम प्रकाश भी दिल्ली से ही आ रहे हैं। लालू प्रसाद यादव बिहार से हैं और ए मैनिथन तमिलनाडु से। एमटी रेड भी आंध्र प्रदेश से हैं। नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन 29 जून है और कागजात की जांच 30 जून को होगी। चुनाव आयोग ने पिछले हफ्ते घोषणा की थी कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोटिंग 18 जुलाई को होगी और जरूरत पड़ने पर 21 जुलाई को मतगणना भी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।